लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060001 2630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। जलपरी के नाम से विख्यात श्रद्धा शुक्ला के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। वह गंगा में तैराकी के लिए उसी वक्त उतरती है जब कोई घाट आने वाला होता है या आसपास भीड़ होती है। इतना ही नहीं, वह दिन में 80 से 100 किलोमीटर की बजाय 2 से 3 किलोमीटर की तैराकी करती है। यह दावा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार और वरिष्ठ टीवी पत्रकार विनोद कांपड़ी ने भी किया है। इलाहाबाद पहुंचकर प्रेस क्लब में उन्होंने बताया कि जलपरी के कानपुर से वाराणसी तक के अभियान के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई, तभी उनके मन में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की सूझी और वह श्रद्धा के अभियान के साथ रायबरेली से जुड़े। 3 दिनों तक साथ रहने पर कांपड़ी ने कहा कि श्रद्धा के पिता ललित शुक्ला ने पहले दिन से ही मीडिया को भ्रम में रखा, कभी बहाना बनाया कि बच्ची की तबीयत खराब है इसलिए वह ज्यादा तैराकी नहीं कर सकती, दूसरे दिन मगरमच्छ का खतरा बताते रहे और तीसरे दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया। अब इसे सच में कोई करिश्मा कहेंगे या फिर लोगों की आंखों में धूल झोंकना। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव एक्सप्रेस।